सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक अल्टो गाड़ी जो है इस नहर में गिर गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे और 4 महिलाओं की मौत हो गई है। मैं इस वक्त दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पुंडरी की तरफ से गांव डीक के वो रहने वाले थे और पुंडरी की तरफ से वो लोग आए थे और नहर का जो पुल है वो क्रॉस करने से पहले ये जो तीव्र मोड़ है, इस मोड़ से गाड़ी अनबैलेंस होती हुई सीधी की सीधी इस सिरसा ब्रांच जो नहर है इसमें जा गिरी। अल्टो गाड़ी में लगभग 8-9 लोग सवार थे और 8-9 लोगों में से जो ड्राइवर है वो यहाँ से जिस वक्त गाड़ी गिरी वो ड्राइवर कूद गया था। उसके बाद जब गाड़ी को 20 से 25 मिनट की मशक्कत के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और अन्य गोताखोरों के द्वारा जब रस्सी डालकर यहाँ से गाड़ी को निकाला गया तो उसमें से 3 बच्चे और 4 महिलाएं जो एक ही परिवार के 8-9 लोग इस गाड़ी में सवार थे उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं 3 से 4 महीने पहले भी यहां पर एक जो I-20 गाड़ी है वो भी बिल्कुल इसी तरह से इस सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई थी, जिस वक्त एक व्यापारी की जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन आज भी सुबह डीग गांव के एक ही परिवार के जो 8 लोग हैं वो यहाँ से ये कह सकते हैं गांव डीग से गुणा के लिए जा रहे थे। गुणा वहां वो पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे और दशहरे का आज दिन है। दशहरे पर मान्यताओं के अनुसार कैथल के अलग अलग जगह पर पूजाएं होती है तो वहां जा रहे थे। तो ये जो कर्व मोड़ है यहां पुल पर चढ़ने से पहले इस कर्व मोड़ से एक गाड़ी जो है वो हो सकता है कि ड्राइवर से स्टेयरिंग ना उड़ा हो, सीधी की सीधी जो गाड़ी है इस नहर में उतर गई। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग इनसे बातचीत, क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। इस तरह से हादसा हुआ कुछ? बस ये इस पर आप भी डीग से? हाँ, डीग से। उनके उनके क्या लगते हैं? अच्छा हूँ मैं। वो कैसे हुआ? रीजन है, मैं ब्रियागी हूँ। कैसे हादसा? इसमें नहर में पड़ गई, 8-9 जने थे, उसमें 7 तो मृत पै गए, 1 बच्ची गुम हो रही है, टोन लग रही। सवेरे का काम उ खड़िया 9 बजे का जो ड्राइवर है ड्राइवर बचा सिर्फ एक। वो एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार के थे। गाड़ी किराए की थी? ना, अपनी ली थी, महीना डेढ़ होए। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ ये डीग गांव के जहाँ का वो परिवार था उसी गांव के ये लोग हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि एक ही परिवार के वो लोग थे जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, 4 महिलाएं हैं। जो ड्राइवर है वो नहर के में गाड़ी गिरने के बाद वो कूद गया था। उसके बाद एक बच्ची है 14 साल की जो जिसका नाम कोमल है वो मिसिंग बताई जा रही है। ना वो घर है ना ही वो गाड़ी में से मिली है। फिलहाल उसके रेस्क्यू उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है। गोताखोर है यहाँ के कुछ स्थानीय, रस्सी डाल रखी है तो वो उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम ईसम सिंह बुकल है। क्या कहना है जी? कहना ये है प्रशासन की तरफ से अभी कोई बढ़िया मदद नहीं हो रही। सुबह 9 बजे का हादसा, अभी तक डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाए, ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है। एक चीज और है, यहाँ 3-4 महीने पहले भी एक I-20 गाड़ी जो है गिर गई थी, एक व्यापारी की मौत हो गई थी। ये जो कर्व मोड़ है उस वक्त भी सवाल खड़े किए गए थे कि इसको ठीक किया जाए या यहाँ पर कोई रेलिंग, लेकिन फिर भी ना B&R की तरफ से ना इरीगेशन की तरफ से कोई इस पर क्या कहें? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई हादसा होता है तब जाके ये बातें करते हैं, उसके बाद हादसे के बाद ये भूल जाते हैं। जब भी यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं लेकिन बात जो कि तो है, कोई यहाँ पे कोई वो रेलिंग नहीं लगाई गई, कोई इसके बचाव के लिए कोई ऐसा नहीं किया गया ताकि भाई ये ऐसे ऐसे ना हो। प्रशासन की तरफ से पहले भी कोई वो नहीं किया गया, तो क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? सर इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है, एक परिवार से 8 जान चली जाती है, इससे बड़ा हादसा कोई नहीं हो सकता। प्रशासन को जागना चाहिए और ताकि और लोगों का बचाव हो सके, किसी का जीवन ना जाए ऐसे। यहाँ के स्थानीय लोग इस तरह की मांग उठाएंगे? बिल्कुल, स्थानीय लोग तो आवाज उठाते रहते हैं लेकिन कोई उन पे अमल नहीं होता। ये प्रशासन की नाकामी है और सरकार की टोटल फेलियर है। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये प्रशासन की नाकामी है क्योंकि जब पहले हादसा हुआ था उसी वक्त प्रशासन को यहाँ पर जो कर्व मोड़ है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए थे कि, लेकिन ना तो उस वक्त कोई इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाया गया, ना इसे ठीक किया गया और ना ही जो ये नहर के किनारा है यहाँ पर कोई रेलिंग लगाई गई। कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जो सुबह हादसा हुआ है, एक अल्टो गाड़ी जो यहाँ नहर में गिरी थी, मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा।
इसी रास्ते से, इसी कर मोड़ से होती हुई वो गाड़ी पुंडरी की तरफ से ऐसी गांव डीक के वो एक ही परिवार के वो सदस्य थे और यहां पर इसी जगह वो नहर में वो गाड़ी गिर गई थी। तो उसमें जब यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रस्सा डालकर गाड़ी को निकाला गया तो उसमें 3 बच्चियां और 4 महिलाएं थी जिनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्हें जिला के नागरिक अस्पताल भेजा गया, कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उसने कूदकर अपनी जान बचाई। तो प्रशासन के द्वारा इससे पहले जो हादसा हुआ था तब भी चेताया गया था, लेकिन अब भी यहाँ के स्थानीय लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाए जाएँ, रेलिंग लगाई जाए और एक जो बच्ची मिसिंग है कोमल, उसको यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रस्सा डालकर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हादसा कहीं ना कहीं दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हम इसे कह सकते हैं जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है।